नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। एचएसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पीवाईक्यू सीरीज आपको अटेम्प्ट करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से जो क्वेश्चन है बार बार हरियाणा जो है एचएसएससी जो है वो रिपीट करता रहता है। तो इसीलिए हमने जो है एचएसएससी की जो अभी परीक्षा होने वाली है जेबीटी की, 28 सितंबर को ये निर्धारित की गई है, और एचटेट का एग्ज़ाम की भी जो डेट है वो निर्धारित की गई है, दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा। तो इन्हीं दोनों परीक्षाओं के लिए हमने यहाँ पे पीवाईक्यू सीरीज जो है वो शुरू की हुई है। तो इस सीरीज को जो है कंप्लीट अटेम्प्ट करके आप जो है अपने हरियाणा जीके का स्कोर अपना काफ़ी अच्छा कर सकते हैं जेबीटी और एचटेट दोनों के अंदर। साथ में इसकी जो पीडीएफ है वो भी बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड करवाई जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ को बिल्कुल फ्री में जो है डाउनलोड करके वहाँ से अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, क्वेश्चन पढ़ के आंसर लगाने की कोशिश करना, क्योंकि आंसर मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है या कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज हम यहाँ पे जो है 11वां पार्ट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले 10 वीडियो आ चुके हैं, तो उन 10 वीडियोस को भी आप जल्दी से जल्दी देख लीजिएगा, बहुत सारा इंपॉर्टेंट डाटा यहाँ पे बता दिया गया है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। इसमें कहा गया है कितने राज्य हरियाणा की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो हरियाणा की जो सीमा है वो कितने राज्यों से लगती है, 2, 4, 5 या फिर 7। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हो जाएगा राइट नंबर सी। तो किस किस से लगती है, आइए बात कर लेते हैं राजस्थान से। उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, पंजाब से लगती है। उसके बाद जो लगती है हरियाणा की सीमा किससे लगती है, एक तो उत्तराखंड से लगती है, एक हिमाचल से लगती है। तो ये 5 राज्य है जिनसे जो है हरियाणा की सीमा लगती है। सबसे लंबी जो सीमा है वो राजस्थान से लगती है, यानी कि 1262 किलोमीटर जो है वो लगती है। सबसे छोटी किससे लगती है, ये उत्तराखंड से लगती है, 11 किलोमीटर। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए, 11 किलोमीटर जो है उत्तराखंड राज्य के साथ लगती है। 2 यूटी से लगती है, तो इतने राज्यों से जो है हरियाणा की सीमा लगती है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, 5 राज्यों से, और 2 यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और चंडीगढ़ से सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया हरियाणा का अनुदैर्ध्य विस्तार क्या है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर बी। तो 74° 27' पूर्व से 77° 36' पूर्वी देशांतर तक जो है हरियाणा का अनुदैर्ध्य विस्तार हो जाएगा। उत्तरी, उसके बाद में आपका ये उत्तरी अक्षांश भी बता देता हूँ, 39 लिख दिया मैंने भी, 30° 36' से उत्तरी अक्षांश व चलिए बता देते हैं आपको हरियाणा का जो अक्षांशीय विस्तार देख लेते हैं। अक्षांशीय विस्तार पहले देख लेते हैं, सत्ताईस डिग्री 39 मिनट उत्तर से 30° 55' उत्तर। तो ये हो जाएगा अक्षांश और देशांतरीय विस्तार यहाँ पे लिखा गया है, ये देख लेना आप।
ठीक है, अक्षांशीय विस्तार मैंने यहाँ पे लिख दिया है और जो देशांतरीय विस्तार है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये दोनों जो है आपको याद होने चाहिए, हरियाणा का जो है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार दोनों आपको याद होने चाहिए, क्योंकि दोनों से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं हरियाणा की। स्पर्श करने वाले जो राज्य हैं हमने ऊपर देख लिए, पाँच राज्य लगते हैं, दो यूटी लगते हैं। हरियाणा में कितने मंडल हैं? तो छः मंडल हो जाएंगे हरियाणा के अंदर। उसके बाद हरियाणा के छः मंडल कौन कौन से हो जाएंगे? अम्बाला हो जाएगा, रोहतक हो जाएगा, हिसार हो जाएगा, करनाल हो जाएगा, फरीदाबाद हो जाएगा, फरीदाबाद और कौन सा रह गया? अंबाला, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम रह गया। तो ठीक है, इतनी जानकारी आपको रखनी है। हरियाणा राज्य का सबसे पूर्वी जिला भी याद रखना यमुनानगर है और पश्चिमी जिला सिरसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर थ्री पर। क्वेश्चन नंबर थ्री में कहा गया, कहाँ से प्राप्त सिक्कों से पता चलता है कि प्राचीन काल में हिसार क्षेत्र में अगर गणराज्य था? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं सिक्के, प्राचीन सिक्के, जिनसे पता चलता है कि प्राचीन काल में हिसार क्षेत्र जो था वो अगर गणराज्य का एक भाग था? तो ये बरवाला, अग्रोहा या फिर ए बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थ्री का। तो बरवाला और अग्रोहा दोनों से ही प्राप्त सिक्कों से हमें पता चलता है कि प्राचीन काल में हिसार क्षेत्र अग्र गणराज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बोला गया है हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा हो जाएगा? मेवात, झज्जर, पंचकुला और करनाल। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंचकुला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उत्तरी तो हो गया पंचकुला, उसके बाद हम बात करें पूर्वी जिला हो गया, यमुनानगर। उसके बाद बात कर ले पश्चिमी जिला हो गया, सिरसा। अब लास्ट क्या बच गया? उत्तरी जिला पंचकुला बता दिया, दक्षिणी जिला हो गया नूह। तो ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा के, इनकी लोकेशन आप जरूर याद रखना। हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला हो जाएगा पंचकुला, पूर्वी जिला हो जाएगा यमुनानगर, पश्चिमी जिला सिरसा और दक्षिणी जिला जो हो जाएगा वो नूह हो जाएगा। सिरसा के बारे में ये भी याद रखना है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे बड़ा जिला है सिरसा, ठीक है, इतनी भी जानकारी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में कहा गया है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? यमुनानगर, करनाल, रोहतक या फिर जींद। राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि करनाल इसका जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसकी स्थापना के बारे में काफी बार जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, सबसे पहले जो इसकी स्थापना है वो कहां की गई थी? उन्नीस में जो है इसकी स्थापना की गई थी, कहां की गई थी? बेंगलोर में इसकी स्थापना की गई थी। ये याद रखना, इसकी स्थापना 1923 में बेंगलोर में इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के रूप में की गई थी। बाद में 1955 में इसने अपने मुख्यालय को जो है करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो याद रखना करनाल में कब स्थानांतरित किया गया था? उन्नीस सौ पचपन में स्थानांतरित कर दिया गया था करनाल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर सिक्स पर।
क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया, हरियाणा में कहाँ भ्रूण प्रतिरोपण सुविधाओं से युक्त एक प्रयोगशाला स्थापित की गई है? तो हरियाणा के किस जिले के अंदर जो है भ्रूण प्रतिरोपण सुविधाओं से युक्त एक प्रयोगशाला स्थापित की गई है? हिसार में, मैंने आंसर ही बता दिया शायद, हिसार, जींद, करनाल, पंचकूला, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हिसार के अंदर ये आयोजित की गई लैब स्थापित की गई है। हिसार के अंदर कहाँ पर की गई है? यानी कि जिसको आप बोलते हो लुवास। स्थापना कब हुई थी इसकी? 2010 में जो है लुवास की स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके उपकुलपति कौन है? जो इसके उपकुलपति हो जाएंगे वो हो जाएंगे डॉक्टर विनोद कुमार। अभी तक तबीयत ठीक नहीं हो मेरी, फिर भी देख लो गला बैठा हुआ है, आपको आवाज़ पता चल रही होगी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आवाज़ के लिए। क्या, तो इसके उपकुलपति कौन हो जाएंगे? डॉक्टर विनोद कुमार। विनोद कुमार वर्मा जो है इसके उपकुलपति हो जाएंगे। कुलपति कौन होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पर, माफ़ कीजिएगा 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया, निम्न में से कौन सी जोड़ी ठीक है, कौन सी जोड़ी जनसंख्या के अनुसार हरियाणा के 5 शीर्ष जिलों का उल्लेख करती है? तो ये जो है आरोही क्रम में लगाने हैं। सबसे पहले कौन सा जो है डिस्ट्रिक्ट आता है हरियाणा का जनसंख्या के आधार पर, उससे कम किस डिस्ट्रिक्ट में है, उससे कम किस डिस्ट्रिक्ट में, सबसे कम किस डिस्ट्रिक्ट में, ऐसे 5 जिले बताने हैं हमें जनसंख्या के आधार पर। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी कि पहले नंबर पर फरीदाबाद जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है, दूसरे नंबर पर हिसार, तीसरे नंबर पर भिवानी, चौथे नंबर पर गुरुग्राम और पांचवें नंबर पर करनाल। ये 2011 का जनगणना का डाटा के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप देख लेना इसकी फरीदाबाद की कितनी जनसंख्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये ऐसे आप समझ जाना, एफ से फरीदाबाद हो गया, एच से हिसार हो गया, उसके बाद क्या है, बी से भिवानी हो गया, जी से गुरुग्राम हो गया, और क्या रह गया, गुरुग्राम के बाद रह गया करनाल। तो ठीक है, ये मैंने सारे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लिख दिए हैं। उसके बाद फरीदाबाद की बात करें तो इसकी जनसंख्या हो जाएगी, अठारह लाख हो जाएगी। ठीक है, फरीदाबाद की 18 लाख जनसंख्या हो जाएगी। जनसंख्या घनत्व कितना है? 2442। ये जगह नहीं बची आप, मैं बोल रहा हूँ मेरी आवाज़ सुन लेना। जनसंख्या घनत्व है इसका 2442 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, और फरीदाबाद की साक्षरता हो जाएगी 83%। यहाँ पे लिख देता हूँ 83%। ठीक है, ये साक्षरता होगी, यहाँ पे जगह नहीं है वरना मैं लिख भी देता। अब हिसार की बात कर लेते हैं, हिसार की बात करें तो इसकी हो जाएगी 17,43,000। नौ सौ 31 हो जाएगी इसकी, और हिसार का जिले का जनसंख्या घनत्व तो हो जाएगा 438 व्यक्ति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, 438 इसका वो जनसंख्या घनत्व तो हो जाएगा हिसार का, और हिसार की जो साक्षरता है वो 73.2। ये कहाँ लिखूँ, यहीं लिख देता हूँ, 73.2 इसकी साक्षरता हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जिले की, जिसका नाम है भिवानी की। तो भिवानी की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? भिवानी की जनसंख्या मुझे नहीं मिली है, ये आप देख लेना थोड़ा सा, मिली तो क्या नहीं है, मैं यहाँ पे कलेक्ट करके डाटा लेके नहीं आया। तो फरीदाबाद और हिसार की मैंने बता दिया, भिवानी की, भिवानी का गठन कब हुआ था ये लिख लेना आप, 22 दिसंबर 1972 को इसका गठन हुआ था। भिवानी जिले का गठन कब हुआ था? तो ये भिवानी का जो गठन हुआ था वो हुआ था 22 दिसंबर 1972 को। साक्षरता है 83.09% जो है इसकी साक्षरता है। उसके बाद गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम की जनसंख्या हो जाएगी 15,14,000। 432 हो जाएगी। साक्षरता दर की बात करें तो 84.4 हो जाएगी। करनाल की डिस्ट्रिक्ट की जो है जनसंख्या साक्षरता दर आप मुझे बताना, ऐसे ही जैसे मैंने बताया ना करनाल की, पहले आप कमेंट में जनसंख्या लिखेंगे, उसके बाद आप इसका गठन कब हुआ था वो बताएंगे करनाल का, और उसके बाद जो है आप इसका
साक्षरता दर बताएंगे। तो ऐसे आपको बताना है, और साथ में भिवानी का भी बता देना, जनसंख्या मैं यहाँ पे नहीं लेके आया था डाटा, ठीक है, इसके लिए माफी चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया, सावधान नामक समाचार पत्र कहाँ प्रकाशित हुआ था? तो सावधान नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? सिरसा, नारनौल, गुरुग्राम या फिर भिवानी? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये भिवानी जिले से जो है सावधान नामक समाचार पत्र प्रकाशित होता था। गुड़गांव से कौन सा होता था? लिखा हुआ यहीं लिख देता हूँ, क्यों इतना हो कि आपका भी टाइम वेस्ट होगा। गुड़गांव से कौन सा होता था? ज्योति मारतंड। गुड़गांव से होता था ज्योति मारतंड, जगाधरी से होता था ब्राह्मण समाचार। उसके बाद भिवानी से सावधान, ये मैंने बता दिया, भिवानी से हो गया सावधान। उसके बाद आप रखना करनाल से आदित्य ब्राह्मण, तो ये समाचार पत्र भी याद रखना कि कौन सा समाचार पत्र कहां से निकाला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल क्या है? काफी इजी क्वेश्चन है, 44212 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। 1 नवंबर 1966 को ये अलग बनाया गया था पंजाब से करके, 17वें राज्य के रूप में बना था ये हरियाणा राज्य। 6 मंडल हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हम आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया, प्रतापगढ़ फार्म निम्न में से हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो प्रतापगढ़ फार्म किस जिले में हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 10वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये झज्जर जिले में अवस्थित है प्रतापगढ़ फार्म। पहले अब आप याद रखना, झज्जर की बात कर लेते हैं, झज्जर पहले किस जिले में आता था? तो पहले जो झज्जर था ये रोहतक जिले के अंतर्गत आता था। उसके बाद 22 दिसंबर माफ कीजिएगा, इसका जो गठन किया गया था 15 जुलाई 1997। को ये एक अलग जिला बना दिया गया था झज्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया, नाक में पहनने वाला एक आभूषण जिसे आमतौर पर छोटी नथ के रूप में भी जाना जाता है, वह है बेसर, अंगूठी, कड़ी या फिर आरसी? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसे कहते हैं बेसर के नाम से भी इसको जाना जाता है, नाक में पहनने वाला आभूषण है जिसको आमतौर पर छोटी नथ के नाम से भी जाना जाता है, तो यह हो जाएगा बेसर। उसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया, हादी ए हरियाणा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया, हादी ए हरियाणा के नाम से प्रसिद्ध हो जाएंगे शेख फरीद, शेख उस्मान, शाह मोहम्मद रमजान या फिर हजरत खैरू? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो शाह मोहम्मद रमजान के नाम से, जो शाह मोहम्मद रमजान थे यही हादी ए हरियाणा के नाम से प्रसिद्ध थे। इनका जन्म कब हुआ था? 1769 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, 1769 में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुई थी इनकी? तो मृत्यु हुई थी 1825 में। इनकी 3 किताबें भी हैं, ये भी आप याद रख लीजिएगा, जो इनकी फेमस है, अकीद ए अजीम, दूसरी हो जाएगी बुत 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 बाग, तीसरी हो जाएगी
आखिर गुट। तो ये तीन इनकी रचनाएं हैं, ये भी थोड़ा सा आप याद रखना। हादी हरियाणा के नाम से प्रसिद्ध शाह मोहम्मद रमजान के बारे में, जन्म हुआ था 1769, मृत्यु हुई थी 1825 में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को, 13 को। 13 में कहा गया है, हरियाणा में लागू किया गया अरावली पहाड़ियों का पुनर्वास योजना का निधि निर्धारीकरण आएगा। यहाँ पे ये ठीक कर लेना, निर्धारीकरण कौन करता है? तो हरियाणा में लागू किया गया अरावली पहाड़ियों का पुनर्वास को निर्धारण कौन करता है? पूरी तरह राज्य करता है, मतलब पूरी तरह हरियाणा ही राज्य लागू करता है, निर्धारण करता है। केंद्र और राज्य मिलकर करते हैं, सिर्फ केंद्र करता है, या फिर राजस्थान और हरियाणा करता है? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो पूरी तरह से राज्य हरियाणा ही इसका निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 में कहा गया, हरियाणा किसान मित्र क्लब योजना लागू की गई थी। तो हरियाणा किसान मित्र क्लब योजना लागू की गई थी, किस लिए योजना लागू की गई थी? 2 एकड़ तक भूमि स्वामित्व वाले लघु एवं सीमांत किसानों के लिए, केवल लघु किसानों के लिए शुरू की गई थी, केवल सीमांत किसानों के लिए शुरू की गई थी, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 एकड़ तक भूमि स्वामित्व वाले जो लघु एवं सीमांत किसान थे उनके लिए ये जो योजना थी, किसान मित्र क्लब योजना, वो शुरू की गई थी। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 15। 15 में बोला गया है, निम्न में से कौन सा जिला अंबाला मंडल के अंतर्गत नहीं आता है? तो अंबाला मंडल के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता? करनाल, अंबाला, यमुनानगर, या फिर कुरुक्षेत्र? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो करनाल है वो इसके अंतर्गत नहीं आता। तो देख लेते हैं किस किस मंडल के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंबाला की, उसके बाद हम बात करेंगे रोहतक की, उसके बाद फरीदा बाद गुरुग्राम, हिसार। पहले ये पांच कर लेते हैं। अंबाला के अंदर कौन कौन आता है? तो अंबाला आता है, कुरुक्षेत्र आता है, पंचकूला आता है, यमुनानगर आता है। रोहतक में कौन से कितने आते हैं? तो रोहतक में सबसे ज़्यादा आते हैं, 5 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? सोनीपत, रोहतक, झज्जर, भिवानी, चरखी दादरी। फरीदाबाद के कौन कौन से आते हैं? फरीदाबाद में आता है पलवल, मेवात, फरीदाबाद। उसके बाद गुरुग्राम में कौन कौन सा आता है? महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम। हिसार में कौन कौन सा आता है? फतेहाबाद, जींद, सिरसा, और हिसार आता है। उसके बाद एक बच गया करनाल, तो करनाल में कौन से आते हैं इसको भी देख ही लीजिएगा। करनाल में कौन कौन से आते हैं? तो करनाल में आता है पानीपत, कैथल, कैथल आएगा यहाँ पे, कैथल के बाद आ जाएगा करनाल। तो ये याद रखना किन 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 जिलों के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, मतलब किन किन मंडल के अंदर जो है कौन कौन से जिले आते हैं। 6 मंडल हैं हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 में बोला गया है, हरियाणा का जनसंख्या घनत्व 573 हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 573 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 17 पर।
क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है, सूची का मिलान करना है, एक तरफ जिले दिए गए हैं, एक तरफ इनके निर्माण की तारीख दी गई है। तो आइए इनको जो है मैच कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का। तो पहले का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ये हो जाएगा ये 22 दिसंबर 1972। मैं पहले ऑप्शन बता देता हूँ, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए का थर्ड हो जाएगा, बी का फोर्थ हो जाएगा, ठीक है, बी का फोर्थ हो जाएगा, सी का फर्स्ट हो जाएगा, और जो डी बच गया उसका हो जाएगा सेकंड। तो ये देख लिया हमने, मैच कर लिया। ऐसे आप देख लेना, कुरुक्षेत्र का जो डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया था 23 जनवरी 1973 को, रेवाड़ी घोषित किया गया था ये 1 नवंबर 1989 को, नू घोषित किया गया था अप्रैल 2005 में, और सोनीपत किया गया था 22 दिसंबर 1972 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है हरियाणा राज्य की राजधानी क्या है, तो ऑब्वियसली चंडीगढ़ हो जाएगी। साथ में किसकी राजधानी है, पंजाब की राजधानी है। तो आइए इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, चंडीगढ़ के बारे में एक नज़र में जान लेते हैं हम चंडीगढ़, ठीक है। सबसे पहले बात करें चंडीगढ़ की स्थापना, तो चंडीगढ़ की जो नींव थी वो रखी गई थी 1952 में। चंडीगढ़ की नींव कब रखी गई थी, 1952 में। चंडीगढ़ को बनाने की योजना किसने की थी, वास्तुकार कौन था, ली कार्बूजियर, ठीक है, वास्तुकार इसका ली कार्बूजियर था। और चंडीगढ़ शहर को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर भी कहा जाता है। तो इसको जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर भी कहा जाता है। चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश 1 नवंबर 1900 UT कब बनाया गया, 1 नवंबर 1966 को। इसी को 1 नवंबर 1966 को ही हरियाणा और पंजाब की जो है इसको राजधानी बना दिया गया। चंडीगढ़ शिवालिक की तलहटी में बसा है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एक एग्जाम में, तभी बता रहा हूँ, शिवालिक की तलहटी में बसा हुआ है। ठीक है, चंडीगढ़ इसकी तलहटी में बसा हुआ है। उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम इसमें जान लेते हैं। सबसे पहले इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं। ₹114 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या की बात करें तो 10,54,686 इसकी जनसंख्या हो जाएगी। हरियाणा की राजधानी है ये सभी जानते हैं, पंजाब की भी राजधानी है। जनसंख्या घनत्व कितना है, 9,252 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये लिख लेना आप, प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर हो जाएगी। साक्षरता इसकी हो जाएगी 86.05%। पुरुष साक्षरता यानी कि मेल हो जाएगी, मेल साक्षरता हो जाएगी 90.5। उसके बाद महिला साक्षरता फीमेल हो जाएगी 81.19%। उसके बाद क्या रह गया, मुख्य भाषा जो है हिंदी पंजाबी हो जाएगी, ठीक है। और क्या रह गया, और तो गांव इसके अंदर 24 हैं, गांव 24 हो जाएंगे। और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है इसके अंदर, 2.75%।
ग्रामीण जनसंख्या इसके अंदर कितनी निवास करती है, 2.75% जो है इसके अंदर निवास करती है। तो इतनी जानकारी आप चंडीगढ़ के बारे में जरूर याद रखना। तो ये पार्ट यहाँ पे खत्म हो चुका है, यहाँ पे इस पार्ट में 18 क्वेश्चन ही थे हरियाणा जीके के, ये हमने सारा कंप्लीट यहाँ पे लिख लिया है। इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, लगातार तैयारी करते रहें। कोई भी आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, विद इन वन डे आपका जो कमेंट का है रिप्लाई कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।